Hello students, welcome to your own chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem. तो कल हमने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, मोल कंसेप्ट के इंटर रिलेशनशिप्स विद मास पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस उसको हमने पढ़ा, और कल हमने एक टाइप के न्यूमेरिकल्स किए थे, हमने कैलकुलेट किए थे नंबर मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ टेन एटम्स. ठीक है, आज हम रिवर्स करेंगे, हम पता करेंगे रिलेशनशिप मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में. तो ये मैंने क्वेश्चंस नोट किए हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, तो इधर मैंने जो नोट किए हैं इसमें हम एटम्स कैलकुलेट करेंगे और इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग स्टडी करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करनी है मोल कंसेप्ट के अंदर. ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले को देखिए, ये हमारी आज की असाइनमेंट है. कैलक्यूलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन. 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितनी होंगी? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछा गया है उसको सेंटर में लिख लिया. अब इसका दिस इज वन मोल, इसका मास कितना होता है वन मोल का, दैट इज 12 ग्राम, और इसके अंदर वन मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻²³ एटम्स, क्योंकि ये है कार्बन तो इट विल बी हैविंग एटम्स. ये जानकारी आपके पास है. अब उसने पूछा क्या, 1.2 ग्राम के अंदर कितनी एटम्स हैं? तो यहां देखिए आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 12 ग्राम के अंदर कितनी है इतनी, 1 ग्राम के अंदर कितनी होंगी और 1.2 ग्राम के अंदर कितनी होंगी. ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.02 × 10⁻²³ एटम्स. राइट, अब 1 ग्राम के अंदर कितनी होंगी, 6.02 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 12. कितने में पूछा है, 1.2 ग्राम के अंदर, तो 6.02 × 10⁻²³ अपॉन 12, ये जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो ये देखिए, ये मैंने डेसिमल हटाया, नीचे 10 लगा दिया, 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया, ऊपर है 23 और एक 10 नीचे, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, 6.02 × 10⁻²² एटम्स. तो क्वाइट सिंपल इट इज, जिसके बारे में पता करने को बोला है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेंटर में लिख लिया, इट रिप्रेजेंट्स वन मोल. वन मोल मींस, अब देखो यहां पे एटम्स पता करनी है इतने ग्राम के अंदर, तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो हम सिर्फ इन्हीं दो को लिखेंगे, वॉल्यूम की अभी हमें जरूरत नहीं है, उसके न्यूमेरिकल्स अलग से करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब देखिए मैंने यहां O2 नहीं लिखा है, एटम लिखी है ऑक्सीजन की, तो फिर से सेंटर में हम लिखेंगे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मतलब वन मोल. ऑक्सीजन वन मोल मींस इसके अंदर 6.02 × 10⁻²³ क्या है, एटम्स, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम. आ गया दोनों में रिलेशनशिप. उसने पूछा है 32 ग्राम के अंदर कितना होगा, बट मोल के हिसाब से आपको इतना पता है कि 16 ग्राम के अंदर इतना होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.02 × 10⁻²³ एटम्स. 1 ग्राम के अंदर कितनी होगी, 6.02 × 10⁻²³ अपॉन 16 एटम्स, और कितने में पूछी है, 32 ग्राम के अंदर, तो कितनी होगी, 6.02 × 10⁻²³ अपॉन 16 इंटू 32, तो 16 × 32 और ये कितना आया, 12.04 × 10⁻²³. लेकिन अब आप लोग पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ये डेसिमल हमेशा कहां लगेगा, एक नॉन जीरो के बाद,
इसको मुझे शिफ्ट करना है इन दोनों के बीच में, मैं लिखूंगी 1.204 इंटू 10^2। अब ये गया लेफ्ट साइड को, मतलब उल्टी साइड को, तो 23 तो ऑलरेडी है, इट विल बी 10^-1, 10^-1, क्योंकि जब लेफ्ट को जाता है तो रेज टू पावर पॉजिटिव होगी, आगे को जाता है तो रेज टू पावर नेगेटिव होती है। तो कितना आ गया, 1.204 इंटू 10^24 एटम्स। उल्टी साइड को एरो जाता है तो रेज टू पावर जो है वो पॉजिटिव रहती है, तो ए की जंप किया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारे पास आया 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा, 1.204 इंटू 10^24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब ये जो दो नेक्स्ट वाले हैं, मैं इनका आपको सिर्फ हिंट दूंगी। देखिए, सोडियम के लिए आप क्या लिखेंगे सेंटर में, सोडियम, इसके अंदर एटम्स 6.02 10^23 एटम्स, और सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम्स। तो 23 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इतनी, 1 के अंदर दिस डिवाइडेड बाय 23, और कितने में पूछा है, 69 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो आप इसको सॉल्व करके भेजेंगे मुझे। आयरन वाले को देखें, सेंटर में आप लिखोगे आयरन, आयरन के अंदर नंबर ऑफ, दिस इज 1 मोल, आयरन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ये रही एवोगाड्रो नंबर, और इसका एटॉमिक मास 56 ग्राम। इकाई कैसे लगाएंगे आप, 56 ग्राम ऑफ आयरन हैज नंबर ऑफ एटम्स इतनी, 1 ग्राम में कितनी होंगी एंड 1.6 ग्राम के अंदर कितनी होंगी। तो इसको आपने दोनों को सॉल्व करके मेरे पास भेजना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप एक जनरल फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर आ रहे हैं, यहां पे स्पेशली एटम्स के लिए, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय जो हमारा एटॉमिक मास है मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास। ये फॉर्मूला बन गया जर्नल हमारे पास, कि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कीजिए एटॉमिक मास के साथ, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा इधर, गिवन मास जो आपको दिया है, जैसे 56 ग्राम के अंदर कितना दिया 5.6, तो आप कैसे निकालेंगे, Na 6.02 10^23 एटॉमिक मास 56, गिवन मास 5.6। सॉल्व करिए, लंबे तरीके से करेंगे तब भी यही आएगा, और ये शॉर्टकट मेथड मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब आप लोग MCQ करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे तरीके से इसको सॉल्व करें, लेकिन ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आप इस फॉर्मूले को लर्न करके रखेंगे, ठीक है। तो लर्न नहीं कर पाते हैं तो हम लोग जो हमारा मेथड है हम उसी तरीके से चलेंगे, लेकिन MCQ के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये थे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द गिवन मास। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। हमने नंबर ऑफ एटम्स की बात की, अब हम पहले सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एज यूजल जैसे हम करते हैं, सेंटर में हम क्या लिखेंगे, CO2, दिस इज 1 मोल, और इसके अंदर 6.02 10^23 क्या है, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 ग्राम। अब आपको पता है कैसे होता है, 12 प्लस 16 इंटू 2, तो इट इज 44 ग्राम्स, ओके। उसने पूछा 4.4 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो साफ यहां से दिखाई दे रहा है कि 44 ग्राम्स के अंदर हैं इतने, तो 4.4 में कितने होंगे, ठीक है। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.02 10^23। 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 6.02 10^23 डिवाइडेड बाय 44, और कितने में पूछा है, 4.4 ग्राम्स के अंदर कितना होगा, 6.02 10^23 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 4.4। तो ये देखिए डेसिमल हट गया, 44 से 44 कैंसिल, ये 10 ऊपर जाके एक माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 6.02 10^22 मॉलिक्यूल्स, दिस इज द आंसर। 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज 6.02 10^22
मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, 36 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, ये रहा ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट, सेंटर में क्या लिखेंगे हम, वाटर, वाटर के अंदर 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये क्या है, 1 मोल, ठीक है, इसी पे फोकस रखें। और इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, ठीक है, कितने में पूछा है, 36 ग्राम के अंदर, डन। 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 6.02 × 10⁻²³, 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 6.02 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 18, कितने में पूछा है, 36 के अंदर, तो कितना आ गया, 6.02 × 10⁻²³ अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो 18 × 36, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 12.04 × 10⁻²³, और आप इसको क्या लिखेंगे, 1.204 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी तरीके से आप ग्लूकोज के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, ग्लूकोज इज C6H12O6, दिस इज 1 मोल, और इसके अंदर 6.02 × 10⁻²³ क्या है, मॉलिक्यूल्स, और इसका मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम्स, ठीक है, तो पूछा है 1.8 के अंदर कितना होगा, तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 × 10⁻²³, 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 6.02 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 180, कितने में पूछा है, 1.8 ग्राम के अंदर, तो इट विल बी 6.02 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, ये डेसिमल हटाया, नीचे 10 लग गया, ठीक है, 18, 10 आ गया। अब हमारे पास आया 6.02 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 100, दो जीरो ऊपर चली जाएंगी, 6.02 × 10⁻²³ × 10⁻²-2, तो कितना आया हमारे पास आंसर, 6.02 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से हमने गिवन मास के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए। इनको भी आप जनरल फॉर्मूला के साथ तभी करेंगे जब सिर्फ मॉलिक्यूल पूछे गए हों, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास, ठीक है, उधर एटम्स थी और इधर हमने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आई थिंक एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब अगले हम चेक करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, सेकंड हो गया, थर्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। अब थोड़ा सा मुझे पता करनी है एटम्स, लेकिन वाटर क्या है, मॉलिक्यूल, इट्स अ कंपाउंड, तो ऐसे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें गिवन एंटिटी कंपाउंड है और नंबर ऑफ एटम्स पूछी हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको यही निकालना पड़ेगा कि इतने ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, ये रहा वाटर, दिस इज 1 मोल, इसका एटॉमिक मास 18 ग्राम, और इसके अंदर है 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो पहले मुझे 1.8 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास, ठीक है, तो कितना आ गया, 6.02 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, आप इसको लंबे मेथड से करेंगे तभी वही चीज आएगी,
तो ये आ गया डेसिमल हटाया नीचे 10, 18 से 18 कैंसिल, 6.02 10 रेस टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स। अब ये 6.02 10 रेस टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स किस में है भाई? 1.8 ग्राम वाटर। 1.8 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 6.02 10 रेस टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ओके, मुझे पता करनी है एटम्स कितनी है। तो देखिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज नंबर ऑफ एटम्स कितनी है भाई? वाटर में कितनी एटम्स हैं? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, टोटल कितनी हो गई? तीन। तो ये है थ्री एटम्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर है तीन एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितनी होंगी? देयरफॉर 6.02 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज नंबर ऑफ एटम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10 टू द पावर 22 कितना आ गया? 18.06 इनटू 10 टू द पावर 22, ये डेसिमल पीछे आएगा, 1.806 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो कैसे किया हमने? आप नंबर ऑफ एटम्स वाटर के अंदर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपको यह पता करना पड़ेगा इतने के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास। यहां पे गिवन मास है 1.8 और आपको पता है इसका मोलर मास 18 ग्राम, तो यहां से हमारे पास आए मॉलिक्यूल इतने। पीछे आपने करे इसके अंदर ना 36 ग्राम के अंदर निकाले थे हमने, तो यहां 1.8 के अंदर। अब एक स्टेप आगे हम चले, यहां पे हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। अब हम इसको कैलकुलेट लगे करने, तो कैसे करेंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, कितनी एटम्स है इसमें? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, थ्री एटम्स। तो कितने मॉलिक्यूल्स निकाले आपने? इतने। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर कितनी एटम्स होंगी? इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ये था थर्ड न्यूमेरिकल। अब जरा देखते हैं फोर्थ, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। देखें, अब हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वन मोल, 6.02 10 रेस टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स एंड 44 ग्राम्स। इसमें पूछा है 4.4 में नंबर ऑफ एटम्स बताइए। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम किसके बराबर? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास। तो हमारे पास आया 6.02 10 रेस पर 23 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 4.4, हटाया 10, 44 से 44 कैंसल्ड, और ये भी कितना आ गया? 6.02 10 रेस टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स किसमें है? ये 4.4 ग्राम के अंदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो वो आगे ये। ओके, अब देखिए, अब मुझे पता करनी है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितनी एटम्स है भाई? एक कार्बन दो ऑक्सीजन, थ्री एटम्स। तो कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.02 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैज नंबर ऑफ एटम्स, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आ गया 18.06 10 रेस टू पावर 22 और 1.806 इनटू 10 रेस टू पावर 23 एटम्स। तो ये एटम्स किस में हैं? 44 ग्राम CO2 हैज 1.806 इनटू 10 रेस टू पावर 23 एटम्स। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से जब आपके पास
एंटिटी है वो मॉलिक्यूल है और आपसे पूछी गई हैं एटम्स, तो पहले आप क्या करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर एक मॉलिक्यूल में कितनी एटम्स हैं वो लिख लीजिए और उसके बाद में आप जितनी एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ये बिल्कुल सिंपल था, मैंने सिंपल एटम्स पूछी थी। अब नेक्स्ट लेवल, इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन मैंने अलग से लिखे हुए थे तो मुझे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर हर टाइप की कितनी कितनी एटम्स प्रेजेंट हैं, इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल हो तो हम कैसे करेंगे। शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम, सेंटर में आप क्या लिखोगे, C6H12O6, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज वन मोल। वन मोल मींस इसके अंदर है 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम्स, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है एटम्स निकालनी है तो ये है मॉलिक्यूल, तो इसका रिलेशन तो मॉलिक्यूल्स के साथ ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कितना है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 6.02 × 10⁻²³ एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूलर मास 180, गिवन मास 18, तो 10 ऊपर गया, 6.02 × 10⁻²² आ गए मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल किस में है, दीज आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ग्लूकोज। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट आ गई। अब मुझे क्या पता करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ओके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, चलिए इसको कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने सेंटर में लिखा C6H12O6, इसमें कौन कौन सी एटम्स हैं, एक है कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये मैंने लिखा वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज कितने कार्बन, कार्बन इक्वल टू 6 एटम्स, हाइड्रोजन इक्वल टू 12 एटम्स, ऑक्सीजन इक्वल टू 6 एटम्स, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन कितनी है 6। ओके, मुझे क्या निकालनी है, नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में है इतनी, हमने मॉलिक्यूल कितने निकाले हुए हैं 6.02 × 10⁻², तो नंबर ऑफ एटम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितनी 6, तो कितने आए हमारे पास 6.02 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैज कार्बन एटम्स कितनी आएंगी 6 × 6.02 × 10⁻²², तो कितना आया ये 6 × 2 = 12, 36.12 × 10⁻²² एटम्स। तो डेसिमल आगे आ गया 3.612 × 10⁻²³ एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कितने ग्राम था, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
equal to 3.612 × 10⁻²³ एटम्स। तो ईच टाइप में कार्बन हो गया। अब यहां पे आ गई हाइड्रोजन, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितनी है, 12। तो कितने मॉलिक्यूल निकाले हमने ऊपर, 6.02 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैज हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू, अब 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 × 6.02 × 10⁻²² इसको करेंगे तो ये आ गया 12 × 24 and 72। तो दिस इज 72 × 24 10⁻²², डेसिमल आगे शिफ्ट किया, 7.224 × 10⁻²³ एटम्स किसकी, हाइड्रोजन की। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 7.224 × 10⁻²³ एटम्स। ये सेकेंड टाइप हमने निकाल ली। अब है ऑक्सीजन, अगेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितनी थी, 6। 6.02 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैज ऑक्सीजन एटम्स कितनी आएंगी, 6 × 6.02 × 10⁻²² तो इट विल बी 6 × 12, 6 × 36 10⁻²² तो 3.612 × 10⁻²³ एटम्स। मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 3.612 × 10⁻²³ एटम्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ईच टाइप की, हर टाइप की नंबर ऑफ एटम्स निकाल दी। अच्छा, अगर हम वैसे देखें, 6 + 6 = 12, 12 + 12 = 24, अगर सारी की सारी एटम्स इकट्ठी पूछी गई होती, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो आप क्या करते, इस वैल्यू को 24 से मल्टीप्लाई करते। मतलब जितने एक मॉलिक्यूल में एटम्स हैं और जितने मॉलिक्यूल आए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो सेम होगा अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे। कार्बन की कितनी आई, हाइड्रोजन की कितनी आई, ऑक्सीजन की कितनी आई, तीनों को ऐड कीजिए, वही आंसर आएगा जो 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगा। आप लोग जरूर इसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। नाउ सिक्स न्यूमेरिकल, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन 143 ग्राम्स ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, तो दिस इज वन मोल। इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अर्लियर एवोगैड्रो नंबर पर है, क्या ये मॉलिक्यूल्स, और अब इसका मॉलिक्यूलर मास 23 × 2 + 12 + 16 × 3 + 10 × एक वाटर का कितना होता है 18, तो दिस इज 46 + 12 + 48 + 180 एंड इट कम्स आउट टू बी 256 ग्राम्स, ठीक है। इनका टोटल किया तो इट कम्स आउट टू बी 256 ग्राम। उसने पूछा है 143 ग्राम्स के अंदर कितने होंगे, इट विल बी 286, नॉट 56, इट विल बी 286। ओके, अब देखिए फिर से वही हम करेंगे,
पहले मॉलिक्यूल्स तो निकाले कितने हैं, तभी हम एटम्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 143 ग्राम्स ऑफ वॉशिंग सोडा किसके बराबर? एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू गिवन मास, जो आप पता करना चाहते हैं। तो इट विल बी एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाइड बाय 143, कितना आ गया? 2.3.01। तो 3.01 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स किसमें है? ये 143 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा, ये आगे मॉलिक्यूल्स। एक बात हमारी खत्म। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है? कैसे पता करेंगे? ये रहा Na2CO3.10H2O, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O। ओके, अब जरा मेरे को बताइए यहां से कौन कौन सी एटम्स हैं इसमें। एक है सोडियम, दूसरी है कार्बन, तीसरी है ऑक्सीजन और फोर्थ एटम है हाइड्रोजन। यही है ना, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। टोटल चार तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं वॉशिंग सोडा के मॉलिक्यूल के अंदर। अब एक तरीका यह है, आप यहां पे ऐसे कॉलम बना लीजिए जैसे पहले किया, आप उस तरीके से सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका, मैं आप दूसरा मेथड आपको बताती हूं, आप इसको एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे बोर्ड पे जगह थोड़ी कम रहेगी, आपकी कॉपी में भी जगह कम होती है तो कॉलम वाइज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हमने यहां पे सिंपली निकाल लिया कौन कौन सी एटम्स हैं और कितनी है। देखें नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने सोडियम है, देखिए जरा, 2। ओके, कार्बन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितनी है? 3। नो, 10 और हैं, 10 + 3 = 13। सोडियम की है 2 एटम्स, कार्बन की है 1 एटम, ऑक्सीजन की है 13 एटम्स, 3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर और 10 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। अब आई आई हाइड्रोजन की, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 10 × 2 = 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये देख लीजिए, ये हमने एक मॉलिक्यूल का डाटा निकाल लिया, ठीक है? अब हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले सोडियम एटम्स। ओके, कैसे करेंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O हैज नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितनी? 2। और कितने मॉलिक्यूल निकाले हैं? 3.01 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा कितनी आई? 2 × 3.01 × 10⁻²³ तो 6.02 × 10⁻²³ सोडियम एटम्स। ये आ गया हमारा सोडियम का आंसर, राइट? तो ये था सोडियम। अब देखें कार्बन एटम, कैलकुलेशन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है? तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा हैज कार्बन कितनी, कार्बन एटम्स कितनी है? 1। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा कितने कार्बन आए? 1 × 3.01 × 10⁻²³। क्या आंसर आया? 3.01 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ कार्बन। ये रहा हमारा सेकेंड आंसर। थर्ड देखें, थर्ड कौन सा था? ऑक्सीजन, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा
soda has oxygen atoms equal to 13. 13 atoms हैं. और कितने molecule हैं? 3.01 10 raised to power 23 molecules of washing soda has oxygen atoms. 13 into 3.01 10 raised to power 23. तो ये आ गया 39.13 10 raised to power 23. पर आप कैसे लिखेंगे? 3.913 into 10 raised to power क्या हो गया? 24 atoms of oxygen. ये आपका थर्ड आंसर आ गया. अब बची हाइड्रोजन. कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा हैज हाइड्रोजन एटम्स कितनी कितनी निकाली थी? ऊपर दिखा दीजिए. 20 एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर. तो मॉलिक्यूल कितने निकाले हैं? 3.01 10 raised to power 23 molecules of washing soda has hydrogen atoms, it will be multiplied by 20. 3.01 10 raised to power 23. So, this is 60.20 into 10 raised to power 23, or it will be 6.02 into 10 raised to power 24 atoms of हाइड्रोजन. तो ये रहा आंसर नंबर 4. तो देखिए हमने किस तरीके से किया. 143 ग्राम के अंदर हर टाइप की कितनी कितनी एटम्स प्रेजेंट हैं उसको निकालने के लिए पहले हमने ये पता किया 143 ग्राम वॉशिंग सोडा के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं. तो ये हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 143 ग्राम वॉशिंग सोडा के अंदर. फिर हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप. ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है. अब देखिए हमने कॉमनली निकाल लिया. सबसे पहले सोडियम कितने हैं इसमें? 2 एटम्स. कार्बन कितना है? 1. ऑक्सीजन कितनी है? 10, ये रही 3, ये रही 13. हाइड्रोजन 10 to the 20. फिर सेम तरीके से जैसे हमने पहले किया सोडियम एटम्स कैलकुलेट करेंगे. वन मॉलिक्यूल के अंदर है 2, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितनी होंगी? तो दिस फिगर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. आगे कितनी है? 1. दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1. आगे कितनी है? 13. दीज मॉलिक्यूल्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 13. नेक्स्ट कितनी है? 20. दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 20. तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरह की कितनी कितनी एटम्स प्रेजेंट है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो वीडियो जरूर देखें. किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके से आप सॉल्व करें, सिर्फ नोट्स बनाने पे जोर ना दें. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ.